पैसे चाहिए थे। मैं एक दिन उसके पास गया, मुझे यार 10,000 रुपया तुमसे कितनी देर होगी लेने, मैंने किसी का 2 लाख रुपया देना है। मैंने 1,90,000 तुम्हारे पास है? मैं कहा हाँ 1,90,000 मेरे पास। यार देख मेरे पास 1,90,000 है, 10 तुम दे मैं 2 लाख दे दूंगा। कहता तुम 1,90,000 मेरे पास रख जो, ग्वाच जाएंगे, वापसी पे जब आएगा मुझसे 10,000 लेके 2 लाख दे देना। मैं आधे घंटा घूमने चले गया, इधर उधर चक्कर लगाया, वापस उसके पास आया, मैं कहा 2 लाख रुपये दे भी। उसने फिर 1,90,000 दे दिया, 1,90,000 दे दिया। मैं कहा 10,000? अरे भाई 1,90,000 दे दिया, 10 भी दे दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उधार के बारे में। हमारे पंजाब में जो साइकिल के काबिल है वो स्कूटर ले बैठा, जो स्कूटर ले सकता है वो गाड़ी लिए बैठा, जो गाड़ी ले सकता है वो बहुत बड़ी गाड़ी ले लेता है और लोन ले लेता है, लोन उतारा नहीं जाता तो लोगों से उधार मांगना पड़ता है। उधार लेने वाले को इतनी टेंशन नहीं होती, जो दे बैठता है उधार उसका क्या हाल होता है, बात करते हैं। दोस्तों हम कलाकारों की आदत होती है कि जो कोई हमें फ़ोन आता है हम उठा लेते हैं। कई फ़ैन होते हैं बार बार फ़ोन करते हैं, उसका फ़ोन उठाना बंद करते तो दूसरे फ़ोन से फ़ोन कर देते हैं, फिर तीसरे फ़ोन से फ़ोन कर देते। मैं तंग आ गया, फ़ोन तो हमें उठाना ही पड़ता है कि शो ना मिलता हो कोई। मैं तंग आ गया, मैं अपने भाई से बात की, भाई साहब ये ऐसा हुआ कि मुझे बहुत एक बंदा तंग कर रहा है, कहते उसे बुला के ना 2-3 हज़ार रुपये उधार दे दे। उधार देने से क्या होगा, उधार दे के तो देखो 2-3 हज़ार का रिस्क ही है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा कि पैसों की जरूरत तो नहीं? कहता दे दो पैसे की, कौन ना करता है। मैंने कहा 2,500 रुपया दे दिया। 2,500 देने के बाद मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो नहीं फ़ोन उठा रहा। मैंने 50 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसका फ़ोन तो कैसे आएगा। एक बार मेरे से किसी ने 10,000 रुपया उधार ले लिया, मुझे पैसे चाहिए थे। मैं एक दिन उसके पास गया, मुझे यार 10,000 रुपया तुमसे कितनी देर होगी लेने, मैंने किसी का 2 लाख रुपया देना है। कहने 1,90,000 तुम्हारे पास है? मैं कहा हाँ 1,90,000 मेरे पास। यार देख मेरे पास 1,90,000 है, 10 तुम दे मैं 2 लाख दे दूंगा। कहता तुम 1,90,000 मेरे पास रख जो, ग्वाच जाएंगे, वापसी पे जब आएगा मुझसे 10,000 लेके 2 लाख दे देना। मैं आधे घंटा घूमने चले गया, इधर उधर चक्कर लगाया, वापस उसके पास आया, मैं कहा 2 लाख रुपये दे भी। 1,90,000 दे दिया। मैं कहा 10,000? अरे भाई 1,90,000 दे दिया, 10 भी दे दूंगा। लोग इकट्ठे हो गए, मैं झगड़ा करने लगा, मैं कहा तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, फुद्दू बनाया, मैंने तुम्हें 1,90,000 दे दिया कि 10,000 देगा, तुम मुझे 10,000 दे नहीं रहा। लोग इकट्ठे हो गए, कहने क्यों गरीब को डांट रहा है यार, बात क्या है? कहते यार भाई साहब मैंने इनसे देखो 2 लाख रुपये इसका देना था, 1,90,000 दे दिया। अरे छोड़ो गरीब को यार, तुम्हारा 2 लाख डूब रहा था, 1,90,000 मिल गया, 10,000 माफ कर दो। एक बार ऐसे हुआ कि मेरे पास एक मेरा दोस्त आया, बहुत गहरा दोस्त, कहता मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, मैंने अपने बैंक की लिमिट को एक बार ठीक करना है, फिर लिमिट मेरी हनास हो जाएगी, मैं तुम्हें 3 लाख वापस कर दूंगा। मैंने 2 लाख दे दिया, मैनेजर से फ़ोन किया, हाँ जी 2 लाख से इसकी लिमिट ठीक हो जाएगी? कहते हो जाएगी। 2 लाख दे दिया, 3 दिन बाद उसको फ़ोन किया, मेरा 2 लाख दिया था, दे जा वापस यार, तुमने 3 लाख देना था, फिर 2 लाख वापस कर दिया। मैं कहा तुम्हारी 1-2 लाख जो लिमिट बढ़ी है, मेरा 1 लाख और दे। अरे भाई साहब अगर 2 लाख दे दिया तो 1 लाख भी आ जाएगा। भाई साहब मैं मुझे किसी ने बता दिया कि फाइनेंस करना शुरू करो, बहुत कमाई होती है, 3% ब्याज मिल जाता है, 5% ब्याज भी मिल जाता है। मैंने दे दिया 20,000 किसी को, 20,000 दिया। जब मैं महीने के बाद 2 महीने के बाद उसको अपने पैसे लेने गया, कहना बताओ भी कितने पैसे बने, 20,000 तुमको दिया था, इंटरेस्ट बन गया 342 रुपये। कहता ठीक है 20,000 तुम्हें दूंगा अगले महीने की 1 तारीख को मुझे तनख्वाह मिलेगी, आ गया? मैं कहा हाँ ठीक है, अगर तनख्वाह मिलेगी आ गया, बाकी कितने रहे? मैं कहा 342 रुपये। कहता 340 रुपये मेरी वाइफ ने तुम्हारी वाइफ से लेने हैं, सिलेंडर लेगी थी गैस का। मैं कहा ठीक है आ गया समझो। कहना बाकी कितने बचे? मैं कहा 2 रुपये। अरे भाई साहब 2-2 रुपये के पीछे मरते हैं, शर्म करो शर्म करो। मैंने एक किराने की दुकान खोली, मैंने सोचा किसी को उधार नहीं देना। मेरे पास एक शख्स आया, आगे बोलने लगा कि मुझे ना ऐसा करो, 4 किलो मां डाल दो, 10 किलो आटा डाल दो, 50 ग्राम हल्दी डाल दो, 50 ग्राम काली मिर्च डाल दो, कापियां पेंसिल बच्चों की डाल दो, ये डाल दो वो डाल दो, एक डिब्बा तैयार करके रस्सी से बांध दिया। मैं कह ले जाओ। कहना कल लेने आऊँगा। मैं कल क्यों लेने आऊँगा, आज ही ले जाओ। नहीं नहीं कल लेने आऊँगा, सामान यही रहने दो। मैं कहा कारण क्या, कल लेने आओगे, पैसे नहीं है? नहीं 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 पैसे की बात नहीं है, कल इसलिए लेने आऊँगा, आपने लिख के रखा हुआ है,
आज नगद कल उधार। आपको पता ही जैसे मैं बातें कर रहा हूँ कितना इंटेलिजेंट हूँ। शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, एक बच्चे को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया मैथमेटिक्स। मैंने उसको सवाल डाला कि मैं तुम्हारे बाप को 1,00,000 रुपया एक साल के लिए 3% इंटरेस्ट पे दूं तो तुम्हारा बाप एक साल के बाद मुझे कितने पैसे देगा। उसने कहा एक बार फिर मास्टर जी सवाल करो। मैंने तेरे बाप ने मेरे से 1,00,000 रुपया 3% के हिसाब से लिया, एक साल बाद तुम्हारा बाप मुझे कितने पैसे लौटाएगा। सोचने लगा बच्चा, सोचते सोचते कहता मास्टर जी दुक्की भी नहीं 1 रुपया भी नहीं देगा। मैंने कहा तुम साहब नहीं जानते। कहने साहब तो मैं जानता हूँ, आप मेरे बाप को नहीं जानते, उसने आज तक किसी से पैसा लिया कभी वापस ही नहीं किया। ऐसे एक और बात सुनाता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, बहुत अमीर है, पैसे की कोई कमी नहीं, हर दोस्त हर रिश्तेदार से उसने 500-700 रुपया उधार ले रखा। एक बार मेरे पास आया कहना 500 रुपया उधार दे दे यार। मैं कहा यार इतना अमीर बंदा, तुम्हारी जेबें भरी होती है, तू पैसे उधार सबसे क्यों लेता है। कहता उम्र लंबी होती है। लंबी उम्र कैसे हो जाती है यार, जब हजारों लोगों से उधार पकड़ा हो ना, सभी अरदास करते हैं कि इसकी लंबी उम्र हो, हमारे पैसे वापस आ जाए, किसी की तो लगी जाएगी ना। कई लोगों को उधार लेने की इतनी प्रैक्टिस होती है ना, ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगते और देने पड़ते हैं। मेरे पास एक बंदा आया कहता यार 500 रुपया दे दे, एक हफ्ते बाद तुम्हें वापस कर दूंगा, अपने भाई को मत बताना प्लीज़। मैंने 500 दे दिया, फिर भाई के पास गया, उससे 500 लिया, कहता 500 रुपया उधार दे दे अपने भाई को मत बताना, उससे 500 लेके मुझे वापस कर दिया, अगले हफ्ते मेरे से 500 लेके उसको वापस कर दिया, ऐसे ही 500 उससे लेता मुझको देता, मुझसे लेता उसको देता, उससे लेता मुझे देता। हम दोनों भाइयों की नज़र में उसका व्यवहार बहुत बढ़िया हो गया, पैसा आँखें मिट के उसको दिया जा जा। देखो फिर एक बार मेरे पास आया, आके कहता PCR चाहिए यार, पापा बीमार हैं। मेरे भाई के पास भी गया, 20,000 दे दे यार, मम्मा बीमार है। 40,000 लेके दुड़की हो गया। हम दोनों भाई बात करते थे, इसका व्यवहार बहुत बढ़िया, वो व्यवहार नहीं था, वो पैसे को घुमा ही रहा था। एक मेरा दोस्त मुझसे 2,00,000 रुपया उधार ले गया, उससे पहले ही मैंने 1,00,000 लेना था, 2,00,000 उधार ले गया, कहता मुझे एक ऑर्डर मिला और 2,00,000 का 2,50,000 बन जाना, मैं तुम्हें 2,50,000 वापस कर दूंगा, 50,000 प्रॉफिट होना, तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा उधार भी उतर जाएगा। मैंने लालच में आकर सोचा चलो यार 50,000 रुपया वापस आना, 2,00,000 दे देते हैं, जेब में है, जेब में रख के करना क्या। वो 2,00,000 ले गया, उसके बाद 40,000 वापस करने आ गया, कहता चाहे प्रॉफिट 40,000 हुआ। मैं कहा यार जो 2,00,000 लेके गया था वो तो उधार था, वो तो वापस करो। कहता क्या मतलब, कि आगे मैं काम करना छोड़ दूं। एक पंजाब का बहुत बड़ा कमेडियन हमारा दोस्त रहा, बचपन में हमें इकट्ठे ही शुरू हुए थे, इकट्ठे ही स्टेज करते थे, इकट्ठे सब कुछ करते थे। उसके पास बेचारे साइकिल था, उसका मैंने नाम नहीं लेना, उसका एक बार मन किया कि मैंने स्कूटर लेना, 3200 का स्कूटर आता था, कहता मेरे पास 200 रुपया है, 3,000 रुपया उधार दे दो यार, तुम मेरे बड़े भाई हो। मैंने कहा 3,000 से उसका स्कूटर बनता है, कोई बात नहीं, 3,000 दे देते हैं, 3,000 दिया, स्कूटर लेके आया। 6 महीने बीत गए, 7, 8, 9 साल बीत गया, पैसे वापस नहीं किए। एक बार उसको फोन किया, भाई साहब हमारे पैसे वापस तो कर दो, 3,000 का स्कूटर लिया था, अब तो कार भी लेने लगा। अरे भाई आज के बाद मेरे से पैसे मांगे, मैं तुमसे कभी उधार नहीं लूंगा। पैसे किसी जरूरतमंद को उधार देने चाहिए, मगर देख लेना चाहिए कि ये जरूरतमंद है, कोई नशा तो नहीं लेता। एक बच्चे का फोन आया, 18-19 साल का बच्चा, मम्मी मेरे बहुत बीमार हैं, 20,000 रुपया चाहिए अंकल, 20,000 रुपया दे दो, मेरी मम्मी बच जाएगी, हमें तरस आ गया। कहता मैं यहाँ ज्योति चौक में खड़ा हूँ, 20,000 रुपया दे जो। मेरे दिमाग में आया यार जवान है, पंजाब में नशा बहुत बढ़ चुका है, एक बार चेक तो कर लें। मैंने पूछा कौन से हॉस्पिटल में है तुम्हारे मम्मी, कहने PIMS, वहाँ मेडिकल कॉलेज है उसमें दाखिल है। हम काउंटर पे पहुंचे, जाके पूछा इसके मम्मी हॉस्पिटल में दाखिल है, नाम पूछा नहीं, उनको बोला आ जा यार काउंटर पे खड़े पैसे ले जा। कहता नहीं यार अब नहीं चाहिए, हो गया इंतजाम। क्यों मुझे तरस आ जाता है किसी को यार पैसे चाहिए दे देते हैं, जेब में पैसे आ क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे पास एक बार एक लड़की रोते रोते हमारे दफ्तर के बाहर में बैठी, मैंने उसको पूछा क्या हुआ, कहती मेरे ना मम्मी बहुत बीमार है, 500 रुपया चाहिए। मैंने कहा 500 क्या होता, मम्मी बीमार है, 500 दे दिया। दूसरे तीसरे दिन फिर आ गई, मम्मी और ज़्यादा बीमार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मुझे 2,500 दे दो, मैंने 2,500 रुपये दे दिया।
2500 रुपया देने के बाद जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मैं उसके घर गया, बीमारी की हालत में तुम्हें पैसे दे दिए, मेरे पैसे वापस क्यों नहीं देते? ओ नहीं, मेरे अभी पापा ठीक नहीं हुए ना, पापा ठीक हो गए दे दूंगा। उसको ये भी भूल गया कि जो पैसे उधार लिए थे मम्मी क्या के दिए थे, बाद में भूल गए कह रहे पापा ठीक नहीं हुए। एक बार मैंने एक दुकान पे देखा, एक दुकान के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, उधार लेने वाले की हालत और नकद लेने वाले की हालत, पंजाबी लिखा होता, उधार लैन वाले की हालत ते नकद लैन वाले की हालत। वो जरा उधार लैन वाला होता ना, वो बिल्कुल कपड़े कपड़े फटे होंगे, पतला जहा मरिया जहा बंदा होता, तो जरा नकद समान लैन वाला होता है, सेठ टाई टाई लागी होंगी है, वो फोटो बनी होंगी है, पता नहीं बड़ी वधिया किसी पेंटर ने फोटो बनाई। मैं एक बार चाइना चल गया, वही सेम फोटो बनी हुई, पतला सा बंदा, उसको वो कपड़े डाले हुए फटे हुए, जो एक मोटा सा बंदा तो उसने टाई डाली हुई, जो उधार नहीं लेता। मैंने वो दुकानदार को पूछा, ये लिखा ना उधार लेने वाले का हाल, तो नगद देने वाले का हाल यही है ना? कहते आपको कैसे मालूम, आप जो चाइनीज से आती है? कहना मैं क्या, हमारे पंजाब में भी ऐसी फोटो लगी होती है, फर्क सिर्फ इतना ही है, उन दोनों की आंखें खुली होती है, इनकी आंखें ऐसे बंद है, चीने बनाए हुए हैं।